हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने के अंदर में कुल की रस्म अदा की जा रही है, अदा हो गई है। दुआ हुई गरीब नवाज के दरबार में, खुदा में ख्वाजा साहब ने तमाम जायरीनों के लिए दुआ करी, हिंदुस्तान के आलम के लिए दुआ करी। हुजूर गरीब नवाज अपने अमन और चैन के लिए कायम और रायम रहे और यहाँ पे आने वालों की तमाम दुआएं तमाम पूरी की जाए ताकि आने वाले हर हाल में खुश रहे। यहाँ पे आने वाले लाखों जायरीनों ने दुआ करी, दुआ करके मुल्क के अंदर में अमन और चैन के लिए खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। आप सबको 810वां उर्स मुबारक हो। सब मेरे भाई बहन मुसलमान हो, सब गैर कौम हो, सब हिंदुस्तान हो, पूरी दुनिया हो, सबको गरीब नवाज का उर्स मुबारक 810वां। हम यहाँ 30 साल से आ रहे हैं लेकिन 300 साल में मैंने कभी इतना रश नहीं देखा, इस बार पहली बार देखा है। और इंतज़ाम बहुत अच्छी तरीके से किया गया है माशाल्लाह। और मैं यही चाहती हूँ गरीब नवाज सबकी बिगड़ी बना दे, है ना। हम लोग सब अपनी फरियाद लेकर आते हैं और इनका दिल, और ये इतने बड़े सखी हैं कि ये सबकी सुनते और कोई खाली हाथ नहीं जाता, अपनी अपनी झोलियाँ सब भर के जाते हैं। सुभान अल्लाह। मुल्क के लिए अमन और चैन, और जो हम लोग कोविड से लड़ रहे हैं, ये सरकार का बहुत बड़ा कर्म है कि यहाँ पे देखिए सब के ऊपर उन्होंने नजरें करम की है कि यहाँ पे कोई भी एक केस नहीं हुआ है और ना होगा इंशाल्लाह, है ना। बस ये अमन और सुकून की हम सब से दुआ करते हैं यहाँ पर आके। ये एक ऐसा मतलब जगह है, ये मर्तबा है इनका कि यहाँ पे कोई जात पात नहीं देखी जाती है। ये यहाँ पे रूहों को आके नहलाया जाता है, रूहों को मिलाया जाता है, मोहब्बत बढ़ती है, यहाँ पे सुकून मिलता है, लोग इसीलिए आते हैं।